पढ़ेंगे इस चैप्टर में द केस ऑफ द लास्ट मिनट क्ल्यू मीन्स अंतिम मिनट सुराख का मामला सो लेट द न्यू चैप्टर एज सुन एज डैनी सेम्यूल अराइव्ड होम फ्रॉम स्कूल ही पुल द क्रम्पलेड पीस ऑफ पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड लुक्ड एट इट अगेन हु कूड हैव रिटन दिस ही वॉन्टेड फॉर द थाउजेंड टाइम्स सिंस फाइंडिंग द नोट टेब्ड to his locker door danny reread the note as hopes of finding a clue to the writer's identity the bolts were loose so i tightened them i accidentally got grease on the bridge and couldn't get it off you will need to repaint the greasy spot before tonight but the bridge इज़ स्टडी नाउ बहुत जल्दी में जो डैनी सिम्यूल है वो आ, स्कूल से घर आता है और वो खींचता है एक पेपर को अपनी पॉकेट से बाहर और उसको बाहर दोबारा देखता है पढ़ने की कोशिश करता है तो उसमें क्या लिखा हुआ था वो किसने लिखा था और वो बहुत चौक जाता है हैरान हो जाता है और ये कोशिश बार बार पढ़कर ये कोशिश करता है थाउजेंड टाइम नोट पैड टैप पर कि ये किसने लिखा है अपनी लोकर डोर पर बार बार उसे पढ़ने की कोशिश करता है अब डैनी जब उसे पढ़ता है वो इस आशा में पढ़ता है शायद इससे लिखने वाले की पहचान का पता चल जाए कोई क्ल्यू मिल जाए और फिर वो जो उसका बोल्ट होता है जो लूज़ होता है वो उसे टाइट इसलिए टाइट कर देता है अब क्या होता है कि दुर्घटना से क्या होता है जो ग्रीस थी वो तो वो जो ब्रिज पर ग्रीस लगी हुई थी पुल पर तो उसने हटाई नहीं थी और ज़रूरत थी उसको दोबारा से पेंट करने की ग्रीसी स्पॉट को तो वो उससे पहले ही उसको रात से पहले ही पेंट करना चाहता था लेकिन जो ब्रिज है वो बहुत ही मजबूत हो चुका था When Danny had first read this message, he thought someone was trying to pull a prank on him. Bolts, bridges, he was puzzled. Then he remembered his project for the science exhibition that would be held in the school gym that night. The mysterious helper had to be someone who was also competing. अब जब डैनी जो है जब पहली बार उस मैसेज को पढ़ता है तो वो आ, सोचता है कि शायद कोई मेरे मेरे साथ मजाक कर रहा है और बोल्ड्स या जो भी ब्रिजेस हैं वो वो पजल हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर फिर वो याद आता है उसे कि उसे साइंस एग्जिबिशन को पूरा करना है तो फिर उसके बाद जो है वो स्कूल में जिम में वो रख देता है और बहुत ही एक अजनबी कोई होता है राज मिस्टीरियस हेल्पर होता है जो उसकी मदद करता है और जो इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा है डैनी वॉज श्योर दैट हिज प्रोजेक्ट अ मॉडल सस्पेंशन ब्रिज वॉज अमंग द टॉप कंटेंडर्स फॉर एन अवॉर्ड टू प्रूव द ब्रिज स्ट्रेंथ डैनी वुड फिल टू टॉय ट्रक्स ओवरफ्लोइंग विद रॉक्स एंड प्लेस दैम ऑन द ब्रिज दैट नाइट ही वुड Perform this demonstration before an audience of students and parents. Later, the judges would present ribbons to the winners, and Danny was hoping to receive one. अब जो डैनी है वो बहुत श्योर होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में इस मॉडल के बारे में जो उसने सस्पेंशन ब्रिज बनाया है और कि वो सब में से बहुत ही अच्छा दावेदार है इस अवार्ड के लिए और उसने ब्रिज की स्ट्रेंथ यानी ताकत मजबूत को शो किया प्रूव किया कि वो बहुत स्ट्रांग ब्रिज है अब डैनी जो है वो बहुत एक टॉय ट्रक होता है वो उसको फिल करता है ओवरफ्लो करके पत्थर वत्थर उसमें और उस ब्रिज के ऊपर चढ़ाता है कि ये दिखाने के लिए कि उसका जो पुल बनाया गया है वो बहुत स्ट्रांग है मजबूत है उसी रात को जब वो परफॉर्म दे रहा होता है डेमोन्स्ट्रेशन का ऑडियंस को देने से पहले ही स्टूडेंट्स uh, और पेरेंट्स को तो जो उसके बाद जजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट जब करते हैं उस रिबन को विनर्स को तो डैनी जो है वो कोश, आशा करता है कि शायद उनमें से एक मैं भी होंगे आफ्टर फाइंडिंग द नोट डैनी हैड गोन टू द जिम टू चेक हिज प्रोजेक्ट श्योर इनफ देयर वॉज ग्रीसी स्मज वेयर समवन हैड हेल्ड द ब्रिज टू स्टडी It while tightening the bolt that attached the cables to the sports, supports for the bridge, Danny felt certain that the bolts had loosened when he carried the bridge from the science room to the gym. He had been in such a hurry to get to his next class that he hadn't taken the time to check the bolts. और एनीथिंग एल्स थैंक्स गॉडनेस थॉट डेनी इफ समवन हैडेंट नोटिस एंड टाइटन द लूज बोल्ट द ब्रिज वुड हैव क द मिनट आई वुड हैव पुट द ट्रक्स ऑन इट माय प्रोजेक्ट वुड हैव फेल्ड अब जब वो नोट ढूंढने के बाद जो डेनी है जब वो जिम में जाता है दोबारा अपना प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए तो उसने कहा काफ़ी है इतना यहाँ पर ग्रीस स्मच थी काफ़ी जहाँ पर उसने देखा कि कोई ज़रूर यहाँ पर आया है जो उसने ये इस बोल्ट को टाइट किया है केबल के साथ अटैच किया है और फिर वो ब्रिज जो है वो सपोर्ट के लिए है जो केबल एक लगा दिया तो ब्रिज से वो सपोर्ट कर रही है अब डैनी जो है वो महसूस करता है कि कहीं ना कहीं जो बोल्ट है वो शायद लूज़ था जब वो जब कैरी करके ले जा रहा था उस ब्रिज को साइंस रूम में साइंस रूम में जिम की तरफ अब वहाँ पर वो जल्दी में था जब नेक्स्ट क्लास में उसे जाना था तो उसने तो उसके पास टाइम नहीं था कि वो उस बोर्ड को चेक कर सके या कुछ और भी चेक कर सके लेकिन जब उसने देखा तो उसने भगवान को धन्यवाद किया ऐसा सोचकर डैनी ने कि शायद कोई है जो जिसने नोटिस नहीं किया यदि किसी ने नोटिस नहीं किया यहाँ पर और उसने जो है लूज़ बोल्ट को टाइट कर देता है और ब्रिज जो है वाकई में दोबारा से वो मिनट पर तैयार हो जाता है अब वो रेडी है जो ट्रक्स का बोर्ड उठाने के लिए तो उस पर वो ट्रक चलाता है और वो कहता है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है शायद कहीं फेल ना हो जाए ये दिखाने में सिद्ध करने में कि वो कितना मजबूत है